लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. आर्कजिनस तहसरीज ऑफ ए स्टूडेंट. इसमें एक पार्टिकल थ्रो किया गया है एट एन स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, एंगल 60 डिग्री. डिफरेंस ऑफ टाइम पूछा गया है जब 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 उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी. क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसमें ऊपर जाते वक्त एक बार 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी, और जब वो मैक्सिमम हाइट पहुँचने के बाद जब वापस लौट रहा होगा जब उसकी एक बार स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी. तो इन्हीं दो इंस्टेंट्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो पूछा गया है. तो u 12 मीटर पर सेकेंड है, इसको कंपोनेंट्स को हम ब्रेक कर लेते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज 6 मीटर पर सेकेंड, इन द वाई डायरेक्शन इज 6√3 मीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट इंस्टेंट पर हम vx जो लिख सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है. फोर्स नहीं है, हैंस देयर इज नो एक्सेलरेशन. वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशन का फोर्स होता है, इस वजह से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती है अप टू मैक्सिमम हाइट, एंड आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट इट अगेन इंक्रीज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो पहले इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी वी वाई वन कह लेते हैं, उसको सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर को तरीके से. तो मैग्नीट्यूड आ गई 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, हैंस वी कैन राइट वी वाई वन इक्वल टू प्लस 8 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली वी वाई टू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम उसे माइनस 8 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे. नाउ लेट्स कॉल द फर्स्ट इंस्टेंट बी पी एंड द सेकेंड इंस्टेंट बी क्यू. नाउ टू रीच पॉइंट क्यू टाइम टेकन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट इज टी वन. तो उसको हमें फाइंड करने के लिए अब सारा जो सॉल्विंग है वो वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है. तो हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि कैन बी रिटन एज वी वाई वन इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी वन. वी वाई वन हम 8 पुट करेंगे, यू वाई हम 6√3 पुट करेंगे, और ए वाई हम -10 पुट करेंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट टू ओवर पॉजिटिव रेफरेंस डेट इज अपवर्ड डायरेक्शन. तो टी वन हम यहाँ से निकाल लेंगे 6√3 -8/10. नाउ वी वाई टू जो है -8 है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं. यू वाई जो है 6√3 है, ए वाई अगेन -10 है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी टू आएगा हमारे पास 6√3 प्लस 8/10. हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है T2 माइनस T1, डेट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू मोमेंट्स. तो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और सॉल्व करके 6√3/10 -6√3/10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा 2 × 8/10 डेट इज़ इक्वल टू 1.6 सेकेंड्स. हैंस 1.6 सेकेंड इज द आंसर.